कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को राप्ती नदी में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान का बहुत ही विशेष महत्व है। यह हमारे सनातन धर्म की प्रथा है, इसको निभाना हर हिंदू का कर्तव्य है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो रोग दोष तथा जितनी भी समस्याएं होती हैं सब खत्म हो जाती है। मान्यता है कि स्नान और दान की परंपरा के पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए या फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ पूर्णिमा पर क्षमता अनुसार अन्न वस्त्र का दान भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चावलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्नान करने आए श्रद्धालु कार्तिकी पांडे, श्रवण, विमला, आरती और देवी दीन पांडे ने कहा, नहान है नहाए सब अलब जनता। हम तो कई साल से आवत हैं यही घाट पे। मेरा नाम कार्तिकी पांडे है।
बहुत विशेष महत्व है। ये हमारे सनातन धर्म की एक प्रथा है, इसको निभाना हर हिंदू का कर्तव्य होता है। यहाँ पर आने से गाय दान देने से आप सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपके जो रोग दोष होते हैं, जितनी विपदाएं होती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के लिए भी, सिख समाज के लिए भी। आज गुरु नानक जयंती भी है, वो भी उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया हम सब लोगों के लिए, इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। कितने सालों से आ रही है? आज ये मेरा यहाँ का तो पहला स्नान है। वैसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, तो गंगा स्नान मेरा हर मतलब कार्तिक पूर्णिमा को पूरे परिवार के साथ जाते थे। क्या नाम? मेरा नाम श्रवण है। बाद मुझे जैसे एहसास हुआ कि मतलब नहाने से एक अंतर में मतलब एक शांति मुझे मिली, इसलिए मैं कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को मतलब बहुत अंदर से महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ भी जितने श्रद्धालु आए हैं, सभी अपनी मनोकामनाओं को सूर्य भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे हैं। बहुत सहयोग कर रही है और प्रशासन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी चुस्त है। यहाँ पर एक मिनट के लिए भी यहाँ कोई इन लोगों ने मतलब रुके वुके नहीं है, अपना बराबर ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये लोग पूरी मतलब अपना ये जो जिम्मेदारी है NDRF की, पूरी तरह अपनी कर्तव्य निष्ठा से एकदम निभा रहे हैं ये लोग। हमारा नाम आरती। कार्तिक पूर्णिमा नहान है, इसलिए सब लोग नहाते, अपना दुख दलिद्र सब धो लेते हैं। आज के दिन नहाने से सब शुभ कामना पूरा होता है, और इसीलिए सब लोग यहाँ भीड़ लगे हैं, नहाते हैं धोते हैं, इसीलिए दान पुण्य सब करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं झारखंडी से। कब आई हैं? आए हैं 7 बजे। मेरा नाम देवी दीन पांडे है। महत्व तो बहुत है भैया इसका, जो जो मतलब जैसा सोचेगा उसके लिए उसका महत्व ऐसा ही निकलेगा। और भगवान तो हर जगह है, राजघाट पे गोरखपुर में मेला लगा है, मेले का आनंद हम सब ले रहे हैं। हम यहाँ पे 10 साल से ऊपर हो गया भैया। घर है हमारा बस्ती जिला अयोध्या के पास में, वहाँ से हम आते हैं गोरखपुर राजघाट। हाँ है ना, बछड़ा है हमारे बड़े भाई साहब है इधर। इससे जो है मतलब कहते हैं कि पाप बढ़ जाता है, तो हम मतलब गौ दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पाप कट जाता है गौ दान करने से। इसके लिए मतलब इसका महत्व है।